नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो, स्टार्टअप्स ऊंची उड़ान। जी हां, आइडिया है तो आप भी बड़ा कारोबारी बन सकते हैं। आपके सपनों को परवान चढ़ने की राह में पैसा रोड़ा नहीं बन सकता। देश में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। नौकरी करने वालों की सैलरी भी बढ़ रही है और बाजार में लोगों के सामने नया विकल्प भी उभर रहा है, यानी स्टार्टअप अब ऊंची उड़ान भर रहे हैं। इस देश के ग्रेजुएट्स जब भी अपने 9 to 5 जॉब से बोर होने लगते हैं तो बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ 3 रास्ते सोचते हैं, MBA, IAS या फिर स्टार्टअप। अगर आपके पास यूनिक आइडिया है और उसे पूरा करने का जज्बा है तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि किसी नए आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए पैसा, और ये पैसा बड़े बड़े उद्योगपति आपके आइडिया पर खर्च करने के लिए तैयार है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका आइडिया बिल्कुल नया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में 1-2 साल में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स के सामने आने की। स्टार्टअप्स को काफी फायदा हुआ है। देर इज ए पॉजिटिविटी इन द कंट्री, देर इज ए पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग लार्ज अमाउंट ऑफ लाइक कैपिटल कमिंग टू इंडिया। वी गॉट कैपिटल बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव सेंटिमेंट। सो I mean the positivity there, there is a hope. दरअसल ये नई अपॉर्चुनिटी आई है नए बिजनेस इन्वायरमेंट और कारोबार के बढ़ते ट्रेंड की वजह से। 1-2 सालों में नए कारोबारी की एक के बाद एक कई सक्सेस स्टोरी सामने आई हैं, जो खास तौर पर ई कॉमर्स सेगमेंट में आए हैं। इन एंटरप्रेन्योर ने खुद के लिए तो ऊंचाई हासिल की ही, यंग जनरेशन के लिए भी नौकरी के खूब मौके बनाए। जॉब मार्केट में ये बूम दिल्ली NCR के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी देखा जा सकता है। पिछले साल स्टार्टअप्स ने करीब 8,000 लोगों को जॉब दी और इस साल यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक जैसे जैसे नई कंपनियां आएंगी और स्टार्टअप विस्तार करेंगे, वैसे वैसे नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। देश में स्टार्टअप्स के बढ़ते सक्सेस रेट को देखते हुए बड़े पैमाने पर एंजल इन्वेस्टर्स और PE प्लेयर्स भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस स्टार्टअप को अपना विस्तार करने के लिए फंड तो मिल ही रहा है, नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में बिजनेस शुरू करने का चलन भी बढ़ा है। जाहिर है इस जॉब मार्केट के दायरे में नए सेक्टर्स और नए स्किल्स भी आए हैं। जाहिर है स्टार्टअप के लिए ये बेहतरीन मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्टार्टअप तेजी से अपना कारोबार फैला रहे हैं। प्रतीक, सिद्धार्थ और असीम खाने के शौकीन 3 युवाओं ने कुछ अलग करने का सोचा और लॉन्च कर दिया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बाइट क्लब। बाइट क्लब गुड़गांव बेस्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल है, जहां से आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बस एक आइडिया और इसे अमल करने का जज्बा, शायद यही वो दो चीजें हैं जो एक छोटे से कमरे में शुरू हुए स्टार्टअप को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाता है। इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करते वक्त सक्सेस की चाहत सभी को होती है। प्रतीक, सिद्धार्थ और रोशन खाने के शौकीन 3 लड़कों ने कुछ अलग करने का सोचा और लॉन्च किया अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बाइक क्लब। IIT खड़गपुर से पास आउट होते ही ये तीनों निकल पड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी किस्मत आजमाने। Three of us were friends before starting this, and I was working in Singapore. Pratik was working in Mumbai in housing.com. And the third co-founder was working in Singapore as well. So all three of us were very passionate about food, and we really wanted to do something in it. Mid of last year, we took the call and we took the plunge, came back here in Gurgaon, and we really wanted to build something that offers variety, something new, interesting every day, and it should not be way too expensive. It should be easy on the pocket. बाइट क्लब गुड़गांव बेस्ड एक ऐसा ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल है, जहां से आप अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यहां से खाना का एक्सपीरियंस आपको रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस जरूर देगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाइट क्लब पर आपको डेली नया मेन्यू मिलेगा, खाने में वैरायटी मिलेगी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑल द डिशेस आर प्रिपेयर्ड बाय द डेजिग्नेटेड होम शेफ्स। नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस स्क्रैच से शुरू करना हमेशा से ही एक रिस्की अफेयर रहा है, स्पेशली जब पता हो कि सभी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो इन द बिगिनिंग इट वाज आवर ओन मनी, एंड
we were spending from our savings. But since our product was pretty good and our concept was very exciting for everyone, right? So we were able to attract, investment funding pretty soon. We had funding from investors in February. It's like 3 months down the line when we started. We launched in November last year with just a few areas in Gurgaon. Over the past 8 months, we've grown a lot. We are now in South Delhi as well. We are in Cyber City in Gurgaon as well. We are doing almost 500 orders a day. So yeah, it's been a very good journey. तो देखा आपने कैसे इन तीनों ने किस तरह अपनी मंजिल को हासिल किया और आप भी कर सकते हैं क्योंकि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। तो इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मिस्टर सौरभ कोचर हैं, सीईओ फूड पांडा इंडिया एंड सीबीओ ग्लोबल, और साथ ही मेरे साथ महेश मूर्ति हैं, फाउंडर पेन स्टॉर्म। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्टार्टअप्स ऊंची उड़ान, हम एक स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दिन हम किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़ी कोई ना कोई खबर देते रहते हैं, वेदर इट इज फूड पांडा वेदर इज अनदर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फूड पांडा भी जब शुरू हुआ था तो एक स्टार्टअप था, आज एक जाइंट प्लेयर बनता जा रहा है कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री में। देखिए, स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रिडोमिनेंटली बिकॉज जब तक नए आइडियाज़ नहीं आएंगे मार्केट डेवलप नहीं होगा, खास करके जैसे फूड जैसी एक इंडस्ट्री है जो इंडिया में आज भी बहुत नेसेंट है, अभी हम बस शुरू कर रहे हैं। ओवरऑल फूड इंडस्ट्री इंडिया में $300 बिलियन की इंडस्ट्री है, डिलीवरी पार्ट उसका मोर देन $15 बिलियन है। सो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन इज लेस देन 1%। तो देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप्स, ताकि लोगों के अंदर एक नया माइंडसेट जो बदलना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नए नए आइडियाज़ आएँ और नए नए लोग आके उसको करें। आपने बोला कि फूड पांडा 3 साल पहले एक स्टार्टअप था, आज हाँ हम लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट स्टिल इतनी इंस्पिरेशन मिलती है इन नए आइडियाज से, इट जस्ट मतलब इट कीप्स यू ऑन योर टोज इन शॉर्ट। मिस्टर महेश मूर्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जब आपने पिन स्टॉर्म शुरू की थी तो उस वक्त क्या था आपके दिमाग में, और जैसा कि हम लगातार स्टार्टअप्स के बारे में खबरें सुनते हैं कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, वेदर इट इज बिजनेस इंस्पिरेशन वेदर इट इज पर्सनल इंस्पिरेशन, तो आपको उस समय क्या दिमाग में आया कि नहीं मुझे अब जॉब छोड़ के एक नई स्टार्टअप शुरू करनी है? वैसे मैं तो बहुत सालों से 20 सालों से डिजिटल मीडिया में काम करते आ रहा हूँ, और इंडिया में 15 साल पहले वापस पहुंच गया था, और कुछ 10-11 साल पहले मेरा ये राय था कि इंडिया में इंटरनेट काफ़ी बढ़ने वाला है, और अगर इंडिया में इंटरनेट बढ़ेगा तो एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होगी ब्रांड्स के लिए। और तब हमने 2004 में शुरू कर दिया था, 11 साल पहले। तब उन जमानों में जाके हमें समझाना पड़ता था क्लाइंट्स को, क्योंकि क्लाइंट्स ज़्यादातर इतने डिजिटल सेवी नहीं थे कि भैया ये सर्च क्या होता है, गूगल क्या होता है, और इसे ये सब इस्तेमाल करने से आपका ब्रांड कैसे बढ़ सकता है। आज 11 साल बाद हम इंडिया में शायद सबसे बड़े हैं इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और अब तो समझाना पड़ता नहीं है, पर चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे स्टार्टअप्स है उनके पास पैसा नहीं रहता है और बहुत इनोवेटिवनेस रहता है, और जो बड़े कंपनियां रहती हैं उनके पास पैसा ज़्यादा और इनोवेटिवनेस कम रहता है, तो इसी रेशियो पे चलते जाते हैं। मोर इनोवेटिव यू आर लेस मनी लेस इनोवेटिव यू आर द मोर मनी। अगर कंपटीशन है तो क्लाइंट्स और एज वेल एज जो जॉब सीकर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, कैसे देखते हैं इस कॉम्पिटिशन को? देखिए, कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है। ठीक है सौरभ, आप बोलिए, आ रहा हूँ मैं मिस्टर मूर्ति आपके पास। सौरभ, सो कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, लोगों को एक बहुत एक्साइटमेंट मिलती है, लोगों को दे फील मोर मोटिवेटेड कि हम लोग नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें। ओवरऑल कंज्यूमर अगर आप देखें, आज की डेट में इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं, इतने सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे फायदा किसका हो रहा है? फायदा सबसे ज़्यादा कंज्यूमर का हो रहा है। सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी है पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कि और लोग आगे आए, और एक हेल्दी कंपटीशन हर वक्त रहे, हेल्दी कंपटीशन, तभी इनोवेशन आएगा और तभी नए प्रोडक्ट्स आएंगे और नई चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। फिलहाल
हम बहुत दो खास मेहमानों से हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर और कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जानकारियां जो इससे पहले लोगों को नहीं पता थी आज इस शो के जरिए हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियों की बढ़ती तादाद के साथ मोबाइल पेमेंट का भी कारोबार रफ्तार पकड़ रहा है और यही वजह है कि सेगमेंट में एक के बाद एक नई कंपनियां उतर रही हैं। ज्यादातर कंपनियां या तो स्टार्टअप हैं या आपसे कुछ साल पहले तक स्टार्टअप रही हैं और ऐसी कंपनियों में से एक है क्विक वॉल्ट, जो अपनी यूजर फ्रेंडली स्कीम और डिस्काउंट्स के दाम पर तेजी से पैर पसार रही है। मुंबई से मेरे सहयोगी अनुराग शाह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टार्टअप तेजी से अपना मार्केट बना रही है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। वजह है कि लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर बार बार याद नहीं रखना चाहते या सीवीसी नंबर याद करने के झंझट से बचना चाहते हैं। लोगों को अब मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करना आसान लगता है। मोबाइल वॉलेट पेमेंट में भविष्य में बेहतर संभावनाओं को देखते हुए सुमा भट्टाचार्य और मोहित लालवानी ने 3 साल पहले 10 लाख रुपए के निवेश के साथ एक छोटी कंपनी क्विक वॉलेट की शुरुआत की। धीरे धीरे मोबाइल एप्लीकेशन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। क्विक वॉलेट का मुख्य तौर पर फोकस यूटिलिटी पेमेंट पर है। कंपनी का मुंबई और बेंगलुरु में 500 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ करार है। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन में 10 से ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं। कंपटीशन तगड़ा है और ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना बड़ी चुनौती है। क्विक वॉलेट ने इसीलिए कंपनी का मार्केटिंग मॉडल कुछ हटकर तैयार किया है। क्विक वॉलेट अपने ऐप के जरिए मोबाइल डेटा और डीटीएच बिल पेमेंट पर किए गए खर्च पर पूरी रकम के बराबर कैशबैक देती है। कैशबैक की रकम को क्विक वॉलेट से जुड़े सभी रेस्टोरेंट्स में पेमेंट किया जा सकता है। ग्राहकों को इसका फायदा लेने के लिए क्विक वॉलेट में रजिस्टर कराना जरूरी है। ये फायदा भी है कि क्विक वॉलेट से जुड़े सभी मर्चेंट्स को किसी भी तरह का हार्डवेयर रखने की जरूरत नहीं है, मतलब न कार्ड का चक्कर न स्वाइप की चिंता। वेब बेस्ड वर्चुअल टर्मिनल इंटरफेस से ही सारे पेमेंट्स दिए और लिए जाते हैं। इस तरह से ग्राहकों की कार्ड डिटेल्स भी मर्चेंट के पास नहीं पहुंचती हैं। अभी कंपनी का फोकस रेस्टोरेंट बिल पेमेंट पर है, लेकिन आगे चलकर कंपनी रिटेल पेमेंट में भी विस्तार करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी की फंड जुटाने की भी योजना है। भारत में स्मार्टफोन की तादाद में सालाना दुगनी गति से बढ़ोतरी हो रही है। इसी ग्रोथ को देखते हुए क्विक वॉलेट की वॉलेट पेमेंट में विस्तार की योजनाएं हैं, जिसमें कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी ने मनी ट्रांसफर सुविधा के लिए प्रीपेड लाइसेंस की अर्जी भी दी है। 5 साल पहले एक छोटे आइडिया के साथ शुरू की गई कंपनी क्विक वॉलेट आज करीब 100 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, जबकि क्विक वॉलेट के कारोबार में आगे और तरक्की की गुंजाइश पैदा हो रही है। अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो हम बता रहे हैं आपको कि स्टार्टअप्स कैसे शुरू होते हैं या स्टार्टअप्स कैसे किसी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज साबित होते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ गुड बिजनेस। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक खास पैनल जिनसे हम इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश स्टार्टअप्स पूछी। तो हम बात स्टार्टअप्स की कर रहे हैं, खाने या कहें फूड इंडस्ट्री में आजकल स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं और खाना तो आप इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर आप घर पर पार्टी आप करना चाहते हैं, लंच या डिनर करना है आपको, तो खाने की बजाय इस बार अपनी पसंद का मेन्यू घर पर ही बनवा सकते हैं। शेफ या कैटरर ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर संपर्क करके। देखिए करुणा की रिपोर्ट। बस एक आइडिया और उसे अमल करने का जज्बा, शायद यही वो दो चीजें हैं जो एक छोटे से कमरे में शुरू हुए स्टार्टअप। डाइनिंग की कैटेगरी में पिछले एक साल में कई स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन केटरिंग के लिए ऑनलाइन सर्विसेज इतने कॉमन नहीं थे। पर kitchenplatter.com एक ऐसी वेबसाइट है जो शेफ सर्विसेज से लेकर केटरिंग, रेसिपीज और फूड रिलेटेड टिप्स, सभी की जानकारी आपको एक ही वेबसाइट में उपलब्ध कराता है। आप घर बैठे किसी भी गैदरिंग, पार्टी या फंक्शन के लिए कोई भी क्विजीन कस्टमाइज करा सकते हैं और अपने मेहमानों की चॉइस के हिसाब से। We started with a content platform in the food domain,
The content platform has recipes and recipe videos from a community of chefs. When we started meeting with the chefs and we started to know the industry much better, and we saw there is a pain point in terms of food service, discovering food service providers. So we are providing a platform to discover the food service providers who are reliable. कस्टमर्स इस वेबसाइट के जरिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्विजीन के शेफ्स और केटरर्स को संपर्क कर सकते हैं और उन्हें हायर कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको आपके मेन्यू को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देता है। Our customers are looking for different kinds of cuisines, whether it's Indian and international, whether it's healthy food, and they are looking for different kinds of food experiences that we can provide to them. We've already got customized menus available on our website, but on top of that, if a customer requires any change in the menu, they are more than welcome to provide us with their requirements, and we provide them with the customized menus as per their requirements and at an affordable price. और ये सिर्फ डेस्कटॉप से ही नहीं बल्कि आप अपने फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं ऐप के फॉर्म में। हालांकि अभी इस ऐप में सिर्फ रेसिपीज और वीडियोस ही अवेलेबल हैं, लेकिन जल्द ही शेफ एंड केटरिंग सर्विसेज को भी आप इस ऐप से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आपको मेहमानों की या अलग अलग क्विजीन्स बनाने के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। kitchenplatter.com पर लॉग इन करके आपकी हर फूड रिलेटेड क्वेरी का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। मेरे साथ मिस्टर महेश मूर्ति हैं, फाउंडर पेन स्टॉम। मेरे साथ मिस्टर सौरभ कोचर हैं, सीईओ फूडपांडा इंडिया एंड सीबीओ ग्लोबल। महेश मूर्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस दौर में। आपसे जानना चाहता हूं स्टार्टअप्स जॉब्स के लिए कितना बड़ा सोर्स है इंडिया में, और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कितनी जॉब स्टार्टअप्स की वजह से जनरेट होंगी? इसमें सर दो अलग सिचुएशंस है। एक तो जब मैं कॉलेज में 10-15 साल पहले लेक्चर देता था और 300 स्टूडेंट्स में को पूछता था हाउ मेनी ऑफ यू विल जॉइन अ स्टार्टअप, तो 3-4 हाथ ही ऊपर आते थे। आजकल जाके जब मैं भाषण देता हूँ तो 300 में से 290 हाथ ऊपर चलते हैं। तो ऑलमोस्ट इट हैज बिकम गॉन फ्रॉम 1% टू 99%। लेकिन क्यों 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 दूसरी बात ये क्यों होता है? ये बहुत ही दिलचस्प बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला आपने, लेकिन ऐसा क्यों होता है मिस्टर महेश मूर्ति? इसलिए होता है कि क्योंकि वैसे आप देखिए पहले पीढ़ी के जो हमारी पीढ़ी से जो लोग आए थे, हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया गया था कि बेटा आपका आर ड्रीम फॉर यू इज गो गेट अ जॉब एट इंफोसिस, टीसीएस में जॉब कर लो या कहीं इंटेल में जॉब कर लो या कहीं जाके बाहर एमएस कर लो या एमबीए कर लो। आजकल यू नो द नेक्स्ट जनरेशन उसके 10 साल में टीसीएस एंड इंफोसिस आजकल के हीरोज रहे नहीं, तो द न्यू हीरोज आर द न्यू स्टार्टअप्स। लोग वैसे कवर मैगजीन कवर पे फ्लिपकार्ट देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, और मम्मी पापा भी सोचते हैं हमारे बेटे व्हाई कांट दे बी एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई डू दे हैव टू बी एन एम्प्लॉई। तो आजकल पेरेंट्स का लोगों की सोच में बदलाव आया, कहने का ये आपका कहने का ही मतलब पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की सोच में भी बदलाव आया और वो चाहते हैं कि बच्चे और ज्यादा अच्छी जगह काम करें, तो स्टार्टअप्स को भी अब इग्नोर नहीं करते। सौरभ, जो बात मिस्टर महेश मूर्ति कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएं, जब आपने स्टार्टअप शुरू किया था तो क्या आपके साथ लोग इस तरह से जुड़ना चाह रहे थे जैसा आज जुड़ना चाहते हैं, या आपको कुछ दिक्कत आई थी? मुझे तो बहुत दिक्कत आई थी। दिस इज 3 साल हो गए अब इस बात को, लेकिन पिछले 3 साल में इतनी चीज़ें इतनी बदल गई हैं। जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, जब उसने सोचा कि हाँ वो भी साथ में शुरू करेगा, तो उसकी मम्मी ने पहली चीज़ें पूछी, बेटा शादी के लिए लड़की कैसे मिलेगी? या वो फ़र्क इतना आ गया है, मतलब आज के डेट में स्टार्टअप इज़ अ न्यू सेक्सी, राइट? वो उस चीज़ से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। 3 साल पहले स्टार्टअप इज़ अ न्यू फैशन, यस सॉरी, सो यस बेसिकली जब आज के डेट में अगर आप अखबार उठा लो, न्यूज़ चैनल देख लो, बिल्कुल हर जगह पे एक्सपोजर इतना है कि वो जो एक टैबू होता था कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, आज के डेट में प्रोबेबली स्टार्टअप्स की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ है, आपको पता है कि कहीं नहीं जाएगा, आपको पता है कि लोगों के पास पैसा है, आपको पता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो उन सब चीज़ों के बीच में वो जो टैबू होता था कि यार कंपनी बंद होगी तो क्या, वो जब दिमाग से निकल जाता है तो ओवरऑल, तो मतलब वो टैबू अब खत्म होता दिख रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बच्चा निकलेगा तो सीधी किसी बहुत बड़ी कंपनी या बिग जायंट में जाके काम करेगा, ये टैबू अब खत्म होता दिख रहा है? बिल्कुल,
ये टैबू अब खत्म होता दिख रहा है। ठीक है, और एक रिपोर्ट हम और दिखाते हैं, बहुत 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 खास रिपोर्ट है, और देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन या कहें सबसे बड़े बिजनेसमैन से में से एक समझे जाने वाले रतन टाटा का इंटरेस्ट कैसे है स्टार्टअप्स में, अब हम आपको ये दिखाते हैं। रतन टाटा ने हाल ही में विमेन फैशन वेयर कंपनी कार्या में बतौर एंजल इन्वेस्टर हिस्सेदारी खरीदी है। रतन टाटा की स्टार्टअप कंपनियों में ये 10वीं बड़ी डील है। रिपोर्ट देखिए। टाटा सन्स में चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा ने ग्रुप के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नए नए क्षेत्र में एंट्री के साथ ही टाटा ग्रुप को सही मायनों में मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा अब स्टार्टअप कंपनियों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। रतन टाटा साल भर में 10 स्टार्टअप कंपनियों से जुड़े हैं। टाटा ने रिटायरमेंट के बाद सबसे अहम निवेश हाई एल्टीट्यूड विंड टर्बाइन कंपनी ऑल्टेरोज एनर्जीज में किया। रतन टाटा के जुड़ने के बाद जापान के सॉफ्ट बैंक ने भी कंपनी में $70 लाख का निवेश किया। हालांकि टाटा के स्टार्टअप्स में निवेश की असली चर्चा स्नैप डील से शुरू हुई। रतन टाटा ने स्नैप डील में 4.5% से भी कम हिस्सा खरीदा, लेकिन अब इसी निवेश की वैल्यू 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। टाटा का अगला बड़ा निवेश रहा ऑनलाइन लग्जरी रिटेलर bluestone.com में। रतन टाटा ने ब्लूस्टोन में कितना निवेश किया इसका खुलासा तो नहीं है, लेकिन टाटा के निवेश के साथ ब्लूस्टोन की ब्रांडिंग जरूर बढ़ गई। ब्लूस्टोन के बाद टाटा ने एक और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर को सुर्खियों में पहुंचा दिया। साल भर में अर्बन लैडर की वैल्यू भी $7 करोड़ से बढ़कर $20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ई कॉमर्स और क्लीन एनर्जी से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों के अलावा रतन टाटा ने सामाजिक भलाई वाले स्टार्टअप्स की भी मदद की है। गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली स्टार्टअप स्वस्थ इंडिया में रतन टाटा ने करीब 2 करोड़ रुपए निवेश किया। कारों की बिक्री से जुड़ी कंपनी carkharido.com में भी रतन टाटा का निवेश चर्चा में रहा। carkharido.com की वैल्यू $30 करोड़ आकी गई है। पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 में भी टाटा ने इसी साल मार्च में निवेश किया है। हालांकि निवेश की रकम का खुलासा नहीं किया गया। टाटा ने सोशल एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ावा दिया है। सोशल वेलफेयर से जुड़ी सेवाओं की फंडिंग में सलाह देने वाली कंपनी ग्रामीण कैपिटल में टाटा ने पैसा लगाया है। चाइनीज मोबाइल फोन मेकर शायोमी में भी रतन टाटा ने दिलचस्पी दिखाई है। रतन टाटा शायोमी में निवेश करने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि इसी महीने टाटा ने विमेन फैशन वेयर कंपनी कार्या में निवेश किया है। हालांकि टाटा के निवेश की रकम का खुलासा नहीं हुआ है। किसी स्टार्टअप से रतन टाटा का जुड़ना अपने आप में ही ऐसी कंपनियों में लोगों का भरोसा बढ़ा देता है। रतन टाटा से फंडिंग मिलने के अलावा स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें टाटा का गाइडेंस भी मिलता है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो वक्त खत्म हो चुका है सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा कमेंट स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, 20 सेकंड्स? आई थिंक जस्ट बहुत जरूरी है कि अपनी आइडिया के अंदर बिलीव करिए। छोटा मत सोचिए, हमेशा सोचिए कि आप इसके सामने आगे कहाँ तक कर सकते हैं। हाउ कैन यू ब्रिंग डिफरेंस विद व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन उसको अपना पूरा एफर्ट और पूरी मोटिवेशन के साथ जस्ट डू इट। इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा हमारे को कुछ नया स्टार्ट करने। ठीक है मिस्टर मूर्ति, आपसे भी फाइनल कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब में एक सपना है, और वो सपना पूरा करने का हमारा फर्ज है। एक ही जिंदगी है, पुनर्जन्म के बारे में भूल जाइए। इस जिंदगी में जो करना चाहो अभी करो, और दम लगा के करो, मजे से करो, फंडिंग आए ना आए, ऊंची उड़ान, फॉलो योर ड्रीम्स, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम एक स्पेशल शो लेकर आए थे ये समझाने के लिए आपको कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप्स का आजकल का ट्रेंड क्या है, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और थैंकफुली हमारे साथ दो ऐसे खास लोग थे जिन्होंने खुद स्टार्टअप शुरू किया। फिलहाल हम ऐसे शोज और लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास है इस दुनिया में। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी बिजनेस, देश का नंबर 1 बिजनेस।